हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतविजय प्रकाश आज आप लोगों को रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो क्लास फाइव में पढ़ना है। रोमन न्यूमरल जो होता है यह पूरे विश्व में बहुत प्राचीन समय से रोमन लेटर्स का हम यूज करते जा रहे हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल को लिखने के लिए। इसका बेसिक लेटर सात होता है। रोमन न्यूमरल्स को लिखने का बेसिक लेटर ये सेवन होता है, जो कि देखिए यहाँ पर ये जो है ये बेसिक है आई बी एक्स एल सी डी एंड एन। ये सारे के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर पे लिखे हुए हैं। आई जो है ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल वन को डिनोट करता है। भी जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल फाइव को डिनोट करता है। एक्स जो है ये टेन को डिनोट करता है। एल जो है फिफ्टी को डिनोट करता है। सी जो है हंड्रेड को डिनोट करता है। डी जो है फाइव हंड्रेड को डिनोट करता है और एन जो है थाउजेंड को डिनोट करता है। अब यही सात जो लेटर्स हैं, इन्हीं सात लेटर्स का यूज करकर हम कोई भी अदर न्यूमरल्स बनाते हैं, लिखते हैं। अब आपको समझना यह है कि आई लेटर जो है ये मात्र दो लेटर में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। वो लेटर आता है भी और एक्स। भी में से यदि आई को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ऐसे लिखिएगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है लेटर को उसके पहले यानी लेफ्ट साइड में हम इसको लिखेंगे। ऐसे भी में से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आई भी लिखेंगे, इसका वैल्यू फोर होगा। ठीक उसी तरीका से इस लेटर को यदि हम चाहें कि एक्स में से सब्ट्रैक्ट करें तो हम आई एक्स लिखेंगे, इसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल जो होगा नाइन होगा। आई को हम मात्र भी और एल में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीका से ये जो है एक्स ये सब्ट्रैक्ट होगा एल में एल से और सी से। जैसे आप एल का मतलब फिफ्टी होता है, अगर आपको मान लीजिए कि फोर्टी लिखना हो तो आप एल के पहले एक्स यूज करिएगा, एल के पहले एक्स यूज करिएगा तो इसका वैल्यू फोर्टी हो गया। यदि आपको मान लीजिए कि नाइनटी लिखना हो तो एक्स के पहले हम एक्स सॉरी सी के पहले हम एक्स लिख देंगे, इसका वैल्यू नाइनटी हो गया। सेम इसी तरीका से सी जो न्यूमरल लेटर है वो डी और एम में से सब्ट्रैक्ट होगा। डी का वैल्यू होता है 500। अगर हम सी डी लिखते हैं तो 500 माइनस 400 यानी कि इसका वैल्यू हो गया 400। अगर मान लीजिए कि एम से अगर हम डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 900। ये समझना कि कौन सा लेटर किसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब समझना है कि ये जो सेवन बेसिक रोमन लेटर्स हैं उनमें से लेटर भी एल और डी, लेटर भी लेटर एल और लेटर डी, ये तीन जो रोमन लेटर्स हैं रोमन न्यूमरल्स हैं ये कभी न तो सब्ट्रैक्ट होते हैं और न ही रिपीट होते हैं। भी मीन्स फाइव, एल जो होता है ये फिफ्टी को और डी जो होता है 500 को डिनोट करता है। और ये थ्री लेटर जो है न तो कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं और न ही रिपीट होते हैं। यानी कि हमको यदि 15 लिखना हो, यदि हम इसको लिखते हैं भी भी भी, तो ये जो मेरा है ये रॉन्ग प्रोसेस है। रोमन न्यूमरल्स को हम ये तीन जो लेटर है कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। अदर जो लेटर है जैसे ये आई एक्स सी एम, ये जो लेटर्स है ये रिपीट होंगे, बट कोई भी न्यूमरल लेटर मैक्सिमम थ्री टाइम्स रिपीट होता है। जैसे मान लो कि तुम्हें 300 लिखना हो तो तुम सी 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 लिख सकते हो। तुमको थ्री लिखना हो तो इस आई को हम थ्री बार लिख सकते हैं। इतना समझ गए। अब समझना है कि किसी भी न्यूमरल लेटर के ऊपर यदि हम बार यूज करते हैं, जैसे ये मेरा है न्यूमरल लेटर ये फाइव को डिनोट करता है,
इसके ऊपर यदि हम बार यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कि न्यूरल नेटवर्क 5000 टाइम्स इंक्रीज कर गया, यानी इसका वैल्यू 5000 हो गया। अब यदि मान लीजिए कि हमें 10000 लिखना है तो एम के ऊपर इस तरह से बार यूज करेंगे, एम मतलब 1000, इसके ऊपर बार हमने यूज किया, इसका वैल्यू हो गया 10000। अंडरस्टैंड? थैंक यू। ये आपका